इसके ऊपर लगा था डिग्गी, यह है एवेंजर गाड़ी, इसके ऊपर टूरिस्ट के लिए डिग्गी लगा था, जो बाहर में यूज़ करते हैं टूर के लिए यूज़ करते, वो डिग्गी लगा था। आज वो डिग्गी गाड़ी आने के टाइम पे सर के पीछे से खुल के गिर गया, उनको पता नहीं चला। अभी हम जा रहे हैं डिग्गी ढूंढने के लिए। डिग्गी ढूंढते ढूंढते हम पहुंच चुके हैं पवई। थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग को अपोजिट साइड के रोड पे जाना है। ये सामने वाले रोड पे से हम लोग जा रहे हैं, वहाँ से यू टर्न मार के आएंगे, यहाँ से यू टर्न मार के हम लोग दूसरे रोड पे जाएंगे, क्योंकि डाउट था यहीं पे गिरने का चांस था। यहाँ पे गाड़ी स्लिप हुई थी। यहाँ से हम लोग यू टर्न ले रहे हैं, यू टर्न लेके हम लोग यहाँ से गाड़ी लगा दिए, पैदल चल के ढूंढ रहे हैं। अभी यहाँ से हम लोग आगे जाएंगे। यहाँ जो है हम लोग भारतीय विद्यापीठ के पास पहुँच गए। यहाँ पे इसके पास में कैमरा चेक करने के लिए हम लोग गए थे, और ये रिक्शा वाला है जिसको वो बैग मिला हुआ है, उसको फ़ोन किया था, वो यहाँ पे आया है, उसके लिए हम लोग आए हैं डिग्गी लेने के लिए। तो उसके पास फिर उसके लिए नाश्ते के लिए हम लोग ने पैकेट लेने के लिए आए हैं। वहाँ पे पुलिस वाले बैठे थे, दो तीन पुलिस वाले हैं और वो रिक्शा वाला, उसके साथ में एक आदमी और है, मैं और यस सर है। दोनों जन आए दुकान पे, लेंगे कुछ मिठाई उनके लिए, कुछ नाश्ता उनके वाट लगी पड़ी है। यस सर, क्या वीडियो निकाल रहे हैं? रिक्शा वाले के लिए है और कोल्ड ड्रिंक नाश्ता भी जा रहे हैं। क्या वीडियो शूटिंग कर रहे हैं? यस सर का लैपटॉप मोबाइल पर्स सब डिग्गी के साथ में गायब कर दिए थे, मिल गया है, अभी जा रहे पुलिस स्टेशन में रिकवर करने के लिए। स्टेशन पवई का पुलिस स्टेशन के अंदर वीडियो देखने वाले सभी भाई बंधुओं से निवेदन है कि कहीं भी कोई भी सामान गिरा हुआ अगर आपको मिलता है तो पुलिस स्टेशन तक ज़रूर पहुँचाए। हो सकता है वो किसी आदमी की ज़िंदगी का भी सवाल हो सकता है, किसी का लाइफ का सवाल हो सकता है। तो सो प्लीज़ जो जो वीडियो देख रहा है ये ज़रूर हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।